अशोक गहलोत का ये नया वीडियो बहुत कुछ कहता है। दोनों पैरों के अंगूठों के चोटिल होने के बाद अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया है। वही पालनहार योजना के लाभार्थी उत्सव के कार्यक्रम में अपनी भावनाएं शेर के जरिए जाहिर भी की। जो मेरी मंजिल का है, अभी तो सफर का इरादा किया, मैं हारूंगा और उम्र भर ये मैंने किसी और से नहीं खुद से बाधा किया। लेकिन उनका इशारा क्या है, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई है। हाल ही में चर्चा चली है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में कहीं गहलोत राजस्थान की ओर अपनी भावना दोहराना चाहते हैं कि वर्चस्व की इस लड़ाई में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस में अलग अलग तेवर दिखाई दे रहे हैं। कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह ने इशारों ही इशारों में कह दिया कि युवा को मौका मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अगर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करें कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार नहीं हूँ, मेरा तो एक सोच है, एक सपना है मुख्यमंत्री रहते कि कांग्रेस की सरकार वापस आए और मैं पीछे हटकर किसी भी युवा चेहरे को, चाहे वो सचिन पायलट है तो या फिर दूसरा चेहरा है, उनको आगे करूँगा। मेरा संकल्प है कि युवक आगे आए। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सब लोग एक हैं, मिलके काम कर रहे हैं। राजस्थान मजबूती से पूरे प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि अब की बार कांग्रेस को रिपीट करेंगे, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। कांग्रेस में नेतृत्व की टक्कर को आलाकमान कब सुलझाएगी ये देखना आगे है। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।